सोने से 15 मिनट पहले इसे अपने अनचाहे बालों पर लगा लो, सुबह बाल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। नमस्कार। केमिकल लगाए बिना शरीर से अनचाहे बाल हटाएं। भले ही दोस्तों आपकी स्किन दिखने में कितनी भी सुंदर हो या चमकदार क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं तो वो आपकी सुंदरता बिगाड़ देते हैं। इससे कई बार हमारा चेहरा भी काला दिखता है। शरीर पे बालों का आना दोस्तों एक आम बात है, लेकिन बाजार में मिलने वाले ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मदद से हम अपने शरीर से अनचाहे बालों को हटाने का प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और अगर आप भी शरीर से अनचाहे बालों से लंबे समय तक छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज दोस्तों हम आपके लिए एक ऐसा देसी तरीका लाए हैं जो आपके अनचाहे बालों को पूरी तरह से हटाएगा। इसे आपको कैसे बनाना है आइए देखते हैं। इस उपाय में सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर इस चीज को तैयार करना है। हेयर रिमूवल के लिए दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है और ये बहुत आसान है। इसे आपको कैसे बनाना है, इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर लीजिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोस्तों मार्केट में दो अलग अलग मिलने वाली चीजें हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेकिंग पाउडर नहीं लेना, आपको बेकिंग सोडा लेना है। आप बेकिंग सोडा लीजिए और इस बेकिंग सोडा को हम यहाँ पर एक चम्मच के बराबर एक खाली बाउल में मिलाएंगे। इसे डालने के बाद आपको यहाँ पर एक कप में गर्म पानी लेना है। आप दोस्तों ध्यान रखिए कि आपका पानी गर्म होना चाहिए, और जैसे ही आप इस पानी को इसमें डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बबल्स बनाएगा। इसमें दोस्तों हल्के हल्के बुलबुले बनेंगे। बेकिंग सोडा के दोस्तों बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। ये हमारे हेयर रिमूवल में बेस्ट होता है। इससे हमारे हेयर फोलिकल्स खत्म हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर को कमजोर बनाता है, जिससे धीरे धीरे दोस्तों वो बाल झड़ने लगते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक के लिए हम दूसरी चीज तैयार करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर लेना है टर्मरिक। यहाँ पर दोस्तों मैंने ली है हल्दी। आपको दोस्तों अगर कस्तूरी हल्दी मिलती है तो आप वो लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगी। नहीं तो आप इस तरह से ये हल्दी भी ले सकते हैं, और इसे मैं यहाँ पर तकरीबन एक तिहाई चम्मच के बराबर लूंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगली चीज आपको यहाँ पर लेनी है, वो है ये वैसलीन। इसका इस्तेमाल दोस्तों आपको कैसे करना है, इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से एक चम्मच लेंगे, और आपको चम्मच के पिछले हिस्से से वैसलीन का प्रयोग करना है। आप देखिए दोस्तों, आपको तकरीबन इतनी वैसलीन लेनी है, और इसे मैं यहाँ पर इस हल्दी के साथ ऐड कर दूंगा। और इसे डालने के बाद तीसरी और आखिरी चीज आपको यहाँ पर लेनी है, वो है ये रॉ मिल्क, यानी कि आपको कच्चा दूध लेना है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, हेयर रिमूवल करने के बाद हमारी स्किन इरिटेट हो जाती है, कई बार रैशेज आ जाते हैं और जलन होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें दूध मिलाया है जो स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और इरिटेशन से बचाएगा। आपको यहाँ पर इसके 2 चम्मच इसमें मिलाने हैं, और इसे डालने के बाद हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। इस उपाय को दोस्तों आपको चम्मच से तब तक मिक्स करना है जब तक ये जो वैसलीन है अलग होकर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हिलाते रहें, जैसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे वैसलीन अच्छे से इस उपाय में घुल जाएगी और एक थिक पेस्ट तैयार होगा। ये पेस्ट दोस्तों आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। इसी के साथ साथ हमने दोस्तों जो पानी ठंडा करने के लिए रखा था वो भी हमारा तैयार है। ये उपाय दोस्तों आपके शरीर से अनचाहे बालों को हटाने के साथ साथ आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज रखेगा, जिससे आपकी त्वचा में और भी चमक आएगी। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। इस उपाय को लगाने का पहला स्टेप जो है वो है दोस्तों, आपको यहाँ पर इस पानी को लेना है। हम यहाँ पर इस पानी को लेंगे, और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर कॉटन बॉल लेनी है, यानी कि रुई का एक छोटा सा टुकड़ा। और इसके बाद जहाँ पर भी आपकी स्किन पर अनवांटेड हेयर है, जैसे कि यहाँ पर आप अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप इसे इस पानी में डिप कीजिए, और अच्छे से डिप करने के बाद इसे अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कीजिए। आपको 2 से 3 मिनट तक इसे अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई करना है। ये जो पानी है इसे दोस्तों आप अपनी स्किन पर कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने चेहरे पर नहीं लगाना। चेहरे को छोड़कर आप अपने बाजू पर, अपने हाथ पैर, अंडर आर्म्स पर, शरीर के किसी भी हिस्से पर लगाइए। इसे लगाने से दोस्तों आपके बालों की जड़ों को कमजोर करेगा, जिससे इसे लगाने से धीरे धीरे आपके बाल झड़कर खत्म हो जाएंगे। और आप चाहे तो इसे लगाने के बाद आप इस तरह से किसी पेपर से या फिर किसी पोलोथीन रैपर से कवर कर सकते हैं, जिससे आपको इसके ज्यादा असर दिखेंगे। और इसे आपको 20 मिनट तक अपनी स्किन पर लगाना है। उसके बाद पानी से साफ कर लीजिए, और फिर दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे उपाय को लगाएंगे। इसे भी दोस्तों आप वैसे ही लगाइए जैसे आपने उस पानी को अपनी स्किन पर अप्लाई किया था, लेकिन उसके साथ साथ आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपके लिप्स के ऊपर अनवांटेड हेयर है या गालों पर अनचाहे बाल है, वहां पर भी आप इसे लगा सकते हैं। और इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको इसे सूखने देना है, और जब ये सूख जाएगा तो आपको इसे बालों की उल्टी डायरेक्शन में हल्के हाथों से रब करते हुए उतारना है, जिससे आप देखेंगे
कि इससे आपके बाल भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। वीक में आपको इस उपाय का इस्तेमाल दोस्तों आपको 2 बार करना है और 3 से 4 बार लगाने से ही आपको अपने अनचाहे बालों में 50 से 70% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और लगातार इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे वो कमजोर होकर झड़कर उतर जाएंगे और आपकी स्किन साफ और चमकदार बनेगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो उसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।